हे गाइस नमस्ते, मैं हूं डीजे और आज एक लेकर आया हूं एक नया वीडियो, जो कि इस वीडियो में हम सीखेंगे जो यूट्यूब का थंबनेल है ना, वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं और थंबनेल का जो फोटो साइज है वो एक परमानेंट साइज है, वो साइज के हिसाब से हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम थंबनेल क्रिएट करेंगे एक ऐप के मदद से। उस ऐप को ओपन करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर को जाना होगा। फिर अभी मेरा प्ले स्टोर ओपन हो गया, तो अब हम सर्च करेंगे जो ऐप का नाम है कैनवा। तो चलिए सर्च करते हैं। तो ये आ गया, ऑलरेडी मेरे मोबाइल पर ये इंस्टॉल कर चुका हूँ मैं, तो आप इसे इंस्टॉल कर लेना। चलिए बिना देरी किए हुए इसे ओपन करते हैं। तो ये ओपन हो चुका है, तो चलिए आगे देखते हैं। अभी उसका होम पेज जो है ओपन हो गया है, तो वहाँ पर हम सर्च करेंगे यूट्यूब थंबनेल। चलिए सर्च करते हैं। यहाँ पर नीचे YouTube का थंबनेल का ऑप्शन आ चुका है, उसे क्लिक करते हैं। सर्च करने के बाद अभी ये ओपन हो गया, तो अभी हम प्लस का जो सिंबल है वहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी ये जो थंबनेल का परमानेंट साइज है वो आ गया है। ये ओपन होने के बाद हम अभी जो प्लस का सिंबल है वहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ पर जो हमारा थंबनेल का है वो क्रिएट टाइपिंग करेंगे। चलिए टाइप करते हैं। यहाँ पर थंबनेल और कुछ भी आप क्रिएट करने के लिए चाहते हो तो यहाँ पर टाइप कर लेना। हम अभी एक थंबनेल का क्रिएट करके आपको दिखा देते हैं। अभी मैं जो हाउ टू क्रिएट मैं टाइप कर चुका हूँ, फिर उसका साइज को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो फिर उसका कलर देखिए। यहाँ पर आप कलर का आइकन पर क्लिक करना, बहुत सारे कलर है, आपको जो चाहिए वो कलर ले सकते हैं। मैं तो अभी ब्लैक ही रखूँगा। फिर इफेक्ट पर जाकर हम थोड़ा सा उसका इफेक्ट वगैरह क्रिएट कर देते हैं। ये हो गया, ये उसको यहाँ पर बढ़ा देते हैं, ये भी यहाँ पर थोड़ा सा कम देते हैं। अभी जो ये थोड़ा सा अच्छा दिख गया, उसका कलर वगैरह जो चाहिए वो आप चूज कर सकते हो। अभी हमें यूट्यूब का एक आइकन ढूंढ लेते हैं। आपको जो भी आइकन चाहिए वो यहाँ पर सर्च कर लेना। अभी हम यहाँ पर यूट्यूब का क्लिक करेंगे, फिर यूट्यूब का ये बहुत सारे आइकन आ गया है जो PNG टाइप का है। तो चलिए हम एक चूज करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने एक चूज कर चुका हूँ। अभी हम इसे छोटा या बड़ा करके उसे साइज पर हम परफेक्ट साइज पर रख लेते हैं। ये ऑलरेडी अभी परफेक्ट हो गया। फिर अभी हम सर्च करेंगे टेक्स्ट पर जाकर हम अभी वहाँ पर लिखेंगे थंबनेल। चलिए थंबनेल टाइप कर देते हैं। ये हो गया, इसे भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे उसका साइज। अभी जो साइज है वो फ्रंट का बढ़ा देंगे। अभी उसे ठीक हो गया, और उसका जो भी अभी इफेक्ट है वो भी हम थोड़ा सा लगा देते हैं। अभी ये मेरा ऑलरेडी हो गया। फिर आपको कोई भी फोटो या कुछ चाहिए तो आप यहाँ पर अपलोड पर जा सकते हैं, और आपका जो भी फोटो है आपके गैलरी में वो उसे यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये मैं आपको एक चूज करके मैं दिखा देता हूँ। इस फोटो पर चूज करेंगे, ये अभी देखो ये आ गया। आप इसको चाहिए तो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो अभी मेरा ये जरूरी नहीं, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। ये ऑलरेडी मेरा थंबनेल है जो ना, वो परफेक्ट हो चुका है। अभी हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। अभी हम नीचे जो डाउनलोड का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करेंगे।
ये जो मेरा फोटो अभी डाउनलोड हो रहा है, अभी ये फोटो डाउनलोड हो रहा है, देखिए ये जो ऑलरेडी मेरा फोटो डाउनलोड हो चुका है। अब इसी तरह ही ये एक यूट्यूब का जो थंबनेल है क्रिएट कर सकते हो और उसे यूट्यूब पर डाल सकते हो। ये जो थंबनेल रेडी हो चुका है, इसे हम कैसे यूट्यूब पर डाल सकते हैं अगले वीडियो में सीखेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। वंदे मातरम।